Hey guys, तो आज है हमारा फुकेट में तीसरा दिन। कल पूरे दिन मैंने ब्लॉग नहीं किया था, हम लोग सिर्फ पूल साइड पड़े हुए थे और चिल कर रहे थे इसी प्रॉपर्टी में। तो ये है हमारा रिजॉर्ट इम्फियाना जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर 4 nights 5 days। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिप है ये हमारा। शर्ली के साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम यहाँ पर आए हैं, सेकेंड बर्थडे के लिए। तो शर्ली और शिखर ऑलरेडी पूल साइड है या फिर बीच में होंगे और मैं वहीं जा रही हूँ। तो बिल्कुल बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है और हमने पर्पसली यही बुक करा था। तो आपको दिख रहा होगा सामने स्विमिंग पूल है और इस टाइम अभी हाई टाइड्स हैं तो मस्त वेव्स बन रही हैं सी में। मैं आपको दिखाती हूँ। कल शाम को हम लोगों ने जब स्विमिंग करी थी बीच में तो उस टाइम लो टाइड था और अब बादल भी आ गए हैं। अभी इस टाइम यहाँ पे रेनी सीज़न है, मॉनसून टाइम है ये अभी, इसलिए यहाँ पे बारिश हो जाती है दिन में। तो आप सामने देख सकते हैं वेव्स कितनी ख़तरनाक बन रही हैं और वो रहे दोनों। आप यहाँ पे हर जगह ये रेड फ्लैग देख सकते हैं और लिखा हुआ है नो स्विमिंग। तो मतलब यहाँ पे शोर के पास तो कर सकते हैं, ज़्यादा आगे जाने के लिए मना कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना रफ हो रखा है अभी इस टाइम सी और काफ़ी तेज़ करंट भी है। तो जो लोकल्स हैं वो लोग सर्फिंग कर रहे हैं क्योंकि वेव्स अच्छी बन रही है और जो टूरिस्ट हैं वो बस यहीं पर ही किनारे किनारे खड़े होके मज़े कर रहे हैं। तो मैं और शिखर टर्न बाय टर्न जाते हैं स्विमिंग करने के लिए क्योंकि शर्ली को इतने अंदर तक लेके नहीं जा सकते। तो अभी मेरी ड्यूटी है शर्ली को स्विमिंग कराने की और शिखर गया है अभी नहा रहा है, वो रहा। तो ज़्यादा अंदर तक जाना अलाउड नहीं है अभी इस टाइम, वेव्स देख ही सकते हो आप लोग। और अब वाटर एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई है इस बीच में, तो जेट स्की और पैरासेलिंग भी कर रहे हैं लोग। वाओ शर्ली वाओ। अब बीच में नहाकर हम लोग आ गए हैं हमारे स्विमिंग पूल में और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। बीच में सनी हो गया था लेकिन अब फिर से ठीक हो गया है। और शर्ली को हमने रख रखा है बेबी पूल में, अब इसमें आराम से ये वॉक करती है। वॉक करके दिखा दो सबको, वॉक कैसे करती हो, इतना पानी चाटना, वॉक करके दिखाओ, वॉक करके दिखाओ। आओ इधर आओ शैली, इधर आओ इधर आओ। अरे 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 वॉक करो, पापा के पास आ जा, 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 आ जा। छप छप कर दो, छप छप, नहीं 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 कर दो शैली, पापा पे छप छप कर दो, खुद बैलेंस बिगड़ जाएगा। चलिए नेल्स दिखा दो, वाओ दिखा दो, ऐसे ऐसे दिखाओ, ऐसे ऐसे दिखाओ, मम्मा को दिखाओ, नेल्स दिखाओ अपने, यहाँ पे ऐसे करो,
वाह। तो कल हम लोग जहाँ पे मसाज करने के लिए गए थे रात को, उन्होंने शर्ली को पकड़ के उसके नेल पेंट लगा दिया, इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो हमारा जो ये रिज़ॉर्ट है ये रीबिल्ट हुआ है, जब सुनामी आई थी फुकेट में तो सब कुछ वॉश आउट हो गया था यहाँ से। और एक हमारे जस्ट बगल में जो अंकल आंटी आए हुए हैं स्टे के लिए, वो लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो वो 27 इयर्स पहले भी आए थे यहाँ पे, और वो बता रहे थे कि ये रिज़ॉर्ट अलग था बिल्कुल। पता नहीं। तो यहाँ पे ये भी सही है कि आराम से बस आप रिज़ॉर्ट में चिल कर सकते हो, और ये मसाज वाले और खाने पीने का सामान बेचने वाले आते रहेंगे, और आपको जो भी सर्विस लेनी है वो आप ले सकते हो। जैसे जो आंटी सामने बैठी हुई है ये मसाज करती है, तो अभी दो चार लोग करवा रहे थे इनसे। डाइनिंग हॉल पहुँच गए हम लोग। कम शैली, तो यहाँ पर वेजिटेरियंस के लिए तो इतने ऑप्शन हैं नहीं, बस ये वाली साइड है। तो ये है स्लाइस पोटैटो बॉइल्ड इन मिल्क, मतलब दूध में पके हुए आलू। ये है आलू की करी। यहाँ पे है नॉर्मल राइस, और जो जितना भी सैलेड वाला ऑप्शन है यहाँ पे वो है। आई होप गाइस आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।